हेलो गाइस, आज मैं आपको टेकन के टॉप 10 करेक्टर्स या प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा। प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी, एबिलिटी और स्टोरी को देखते हुए और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने 10 प्लेयर्स को टॉप 10 से लेकर नंबर 1 तक अरेंज किया है। और यही मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं फीमेल करेक्टर्स को ऐड नहीं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन। और इसी के साथ नालक से स्टार्ट। तो गाइस, नंबर 10 पे आता है एडी गोर्डो, क्योंकि एडी कैपोइरा फाइटिंग का यूज़ करता है। और कैपोइरा एक ऐसी फाइटिंग स्टाइल है जिसमें हम बड़ी आसानी से प्लेयर्स को खेलते समय कोम्बो के साथ दूसरे अपोनेंट को डिफीट कर सकते हैं। एडी जब जेल में रहता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी कैपोइरा की प्रैक्टिस करता दिखता है, और एडी रिक्वेस्ट कर उस बूढ़े आदमी से 8 साल तक कैपोइरा की ट्रेनिंग लेता है और उसमें मास्टर बन जाता है। एडी की स्टोरी में एडी जिन की टेकन फोर्स में भी शामिल होता है, और आने वाले टेकन 8 में शायद एडी अपने पिता की मौत का बदला लेगा काजुया से। तो अब नंबर 9 पे आता है हॉरैंग। हॉरैंग ने अपनी फाइटिंग स्टाइल अपने मास्टर बेग डुसेन से सीखी है, जो कि है ताइक्वांडो। और गाइस, आपने शायद कभी फोकस किया हो कि हॉरैंग अपने ज़्यादातर मूव्स अपने पैरों से ही मारता है, क्योंकि ताइक्वांडो में ज़्यादातर मूव्स अपने पैरों से ही मारे जाते हैं। हॉरैंग की स्टोरी में हॉरैंग एक दिन जिन से बहुत बुरी तरीके से पिटता है, और अपनी पूरी स्टोरी में हॉरैंग जिन से रिवेंज के बारे में सोचता रहता है। नंबर 8, माय फेवरेट विलन एशियन ओग्र। ओग्र का सेकंड फॉर्म है ट्रू ओग्र। ओग्र एक अलग प्लेनेट से आया है, और ओग्र की एक खासियत है कि वो दूसरों की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और एक बार तो डेविल काजुया और ट्रू ओग्र में भी फाइट होती है, जिसमें ट्रू ओग्र जीत जाता है। हालांकि ट्रू ओग्र ने जिसे हराया था वो डेविल काजुया का रियल फॉर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओग्र कितना पावरफुल है। इसलिए नंबर 8 पे आता है ओग्र। नंबर 7, हेहाची मिशिमा। हेहाची किक और पंच के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही हैवी अटैक करता है, और टेकन की सीरीज में हेहाची सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, क्योंकि हेहाची ही लगभग सारे टूर्नामेंट्स के अनाउंसमेंट करता है। और हेहाची की राइवलरी अपने बेटे काजुया के साथ है, और हेहाची काजुया को इसलिए माना जाता है क्योंकि काजुया एक डेविल है। नंबर 6, काजुया मिशिमा। 5 साल की उम्र से ही काजुया अपने फादर हेहाची से अपनी मदर का बदला लेना चाहता था, क्योंकि हेहाची ने ही काजुया की मां को मारा था। और काजुया के पास डेविल की भी पावर है, जो ज़रूरत के समय काजुया डेविल काजुया के रूप में चेंज हो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, और अपने अपोनेंट को डिफीट करने की ताकत रखता है। काजुया का नंबर 6 पे होने का ये भी एक रीज़न है कि ज़्यादातर लोग काजुया को नेगेटिव प्लेयर समझते हैं, लेकिन काजुया के फाइटिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे हैं, जिसका पता आपको काजुया के फैन से लग जाएगा। और इसी वजह से नंबर 6 पे आता है काजुया मिशिमा। नंबर 5, मार्शल लॉ। इस करेक्टर को ब्रूसली से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, इसीलिए लो के मूव सेम टू सेम ब्रूसली जैसे है। यहाँ तक कि ब्रूसली के ड्रेसअप से भी लो के करेक्टर को क्रिएट किया गया है। लो के मार्शल मूव बहुत ही इजी तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ लग जाते हैं, और लो का बेस्ट फ्रेंड है पोल फेनिक्स, इसलिए नंबर 5 पे आता है मार्शल लॉ।
नंबर 4 योशीमित्सु। योशीमित्सु की फाइटिंग स्टाइल निंजा से रिलेटेड है, इसलिए योशीमित्सु के पास एक निंजा की तरह सॉर्ड है और उस सॉर्ड में इतनी जबरदस्त कॉम्बिनेशन और स्पीड है कि आप पल भर में अपने अपोनेंट को हरा सकते हैं। हालांकि पहली सॉर्ड का यूज योशीमित्सु किसी कारण यूज करना बंद कर देता है और एक न्यू सॉर्ड फ्यूमेंग का यूज करने लगता है, जो सभी सॉर्ड के गुणों को शील करता है और बहुत ही पावरफुल है। नंबर 3 किंग। किंग के मूव्स को देखा जाए तो टेकन में लगभग सभी प्लेयर्स के बाद अपना एक सुपर मूव है, जिससे लगभग ओपोनेंट की 90% पावर कम हो जाती है। लेकिन किंग के पास ऐसा कोई मूव नहीं है, पर किंग के पास एक मूव है जिसमें चार पटकियां किंग अलग अलग तरीके से देता है और अपने ओपोनेंट को काफ़ी हद तक डैमेज करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किंग को WWE के रेसलर को देखते हुए बनाया गया है। स्टोरी के बारे में बात करूँ तो किंग के राइवलरी मार्डुक और कार्मा किंग से है। टेकन की सीरीज में इनकी स्टोरी को अधूरा और सस्पेंस से भरा छोड़ा गया है, जिसका पता हमें शायद टेकन 8 में चलेगा। नंबर 2 पॉल फिनिक्स। पॉल के बहुत ज़्यादा फैंस है क्योंकि पॉल के फाइटिंग मूव्स और स्टेट बालों की वजह से लोग पॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पॉल की फाइटिंग कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी है कि बच्चे से बच्चा भी पॉल के साथ प्रोफेशनल तरीके से खेलता है और पॉल का वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस मूव है ये। पॉल की राइवलरी काजुया से होती है, पर पॉल टेकन 7 में पांडो को हरा देता है और शो ऑफ करने लगता है, पर ये बात वहाँ बैठे ऑडियंस को पसंद नहीं आती, जिसके बाद पॉल की बहुत इंसल्ट होती है। You stink! We love panda, not you! No! Number 1 Jin Kazama। गाइस, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जिन मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नंबर 1 पे पॉल या जिन को रखना चाहता था क्योंकि दोनों की फैन फॉलोइंग लगभग बराबर है, इसलिए काफ़ी डिटेल्स के बाद जिन को नंबर 1 पर रखने का डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि जिन की फैन फॉलोइंग पॉल से थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन को ज़्यादातर लोग स्मार्टनेस, गुड फेस कट, बॉडी लैंग्वेज और गुड बॉडी शेप की वजह से पसंद करते हैं। स्टोरी के बारे में बात करूँ तो जिन को फाइटिंग ट्रेनिंग उसके ग्रैंडफादर ने अपनी मदर का बदला लेने के लिए सिखाया था, और जिन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग डेविल जिन से ज़्यादा जिन को पसंद करते हैं, जबकि डेविल जिन जिन का सेकेंड फॉर्म है। तो ऑलराइट गाइस, वीडियो यहीं पर ही एंड होती है, एंड आई नो गाइस कि बहुत सारे पॉपुलर प्लेयर्स हैं जिसे आप पसंद करते हैं पर वो टॉप 10 के लिस्ट में नहीं है। तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से आपका फेवरेट प्लेयर किस नंबर पर होना चाहिए, और अगर आप मेरे प्लेयर के सीक्वेंस से अग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं, और अगर आपको लगता है कि प्लेयर के सीक्वेंस कुछ और होनी चाहिए तो भी मुझे कमेंट कर बताएं। और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।